हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे और अपने घर पर सेफ होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान कुछ महिलाओं का पेट छोटा होता है और कुछ महिलाओं का ज़्यादा होता है, तो दोनों ही बातों में महिलाओं को टेंशन होने लगती है। किसी महिला का 5वां महीना भी शुरू हो जाता है, पेट दिखना ही नहीं शुरू होता, तो महिलाओं को टेंशन होने लगती है कि मेरा पेट बाहर क्यों नहीं निकल रहा, इतना ज़्यादा छोटा क्यों है। और जिन महिलाओं का पेट ज़्यादा हो जाता है उनको भी टेंशन होने लगती है कि मेरा पेट इतना ज़्यादा बड़ा क्यों है, क्या प्रॉब्लम है। तो बेसिकली अगर आपको दोनों ही प्रॉब्लम है, आपका पेट छोटा है, आपका बड़ा पेट है, तो आपको ज़रूर जानना चाहिए कि इसके पीछे रीज़न क्या क्या होते हैं और कब आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो बेसिकली वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर 500 घंटे का बटन है उसे ज़रूर दबा लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी में पेट छोटा होना या बड़े होने के बहुत सारे रीज़न होते हैं जो आपको जानने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उनमें सबसे पहला रीज़न होता है आपकी हाइट। देखिए, जिन महिलाओं की हाइट लंबी होती है तो उनका पेट देर से दिखाई देता है, वो कारण क्या होता है? क्योंकि जिन महिलाओं की हाइट लंबी होती है तो बच्चे को अच्छे से जगह मिल जाती है, बच्चा फिर आपका जो पेट होता है वो ऊपर की तरफ निकलता है, जिसके वजह से आपका पेट होता है वो कम दिखाई देता है। लेकिन जिन महिलाओं की हाइट कम होती है तो उनका पेट फिर बाहर की तरफ आता है, क्योंकि जगह कम होती है और इसी वजह से उनका पेट थोड़ा सा ज़्यादा दिखाई देने लग जाता है। सेकेंड कारण होता है कि ट्विंस प्रेगनेंसी। अगर आपके पेट में 2 बच्चे हैं, जुड़वा बच्चे हैं या उससे ज़्यादा हैं, तो उस कंडीशन में भी आपका जो पेट होता है वो ज़्यादा दिखाई दे सकता है। थर्ड कारण होता है कि अगर आपकी पहली प्रेगनेंसी है तो आपका पेट कम दिखाई देगा, जो आपका पेट दिखाई देगा वो एकदम से देगा 8वें और 9वें महीने के अंदर। लेकिन अगर आपकी दूसरी प्रेगनेंसी, तीसरी प्रेगनेंसी, तो आपका पेट थोड़ा सा जल्दी दिखना शुरू हो जाता है। उसके पीछे कारण क्या होता है? जब आपकी पहली प्रेगनेंसी होती है तो आपकी मसल्स टाइट होती हैं, जिसकी वजह से आपका पेट इतना ज़्यादा दिखाई नहीं देता। और जब आपकी दूसरी प्रेगनेंसी होती है, तीसरी प्रेगनेंसी होती है, तो आपकी मसल ऑलरेडी ही लूज होती है, और जब आपका बेबी पेट में होता है तभी से वो लूज और ज़्यादा हो जाती है, और इसकी वजह से आपका पेट होता है जल्दी दिखना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट कारण होता है कि आपके पेट में एमनियोटिक फ्लूइड का ज़्यादा होना। अगर आपके पेट में एमनियोटिक फ्लूइड ज़्यादा है तो इसका मतलब आपका जो पेट होता है जल्दी दिखाई दे सकता है, क्योंकि अगर एमनियोटिक फ्लूइड ज़्यादा होगा तब भी प्रॉब्लम होती है और कम होता है तो तब भी प्रॉब्लम होती है। तो अगर आपके अल्ट्रासाउंड में आपको एमनियोटिक फ्लूइड ज़्यादा दिखाई देता है या कम दिखाई देता है तो डॉक्टर के टच में रहें। अगर कम है तो अच्छे से पानी पीजिए, नींबू पानी पीजिए, जो भी लिक्विड होते हैं, फ्रूट जूस सब लीजिए। अगर ज़्यादा है तो आप डॉक्टर के टच में रहिए, उनसे बात कीजिए कैसे इसको कम किया जा सकता है। नेक्स्ट कारण होता है कि बच्चे का वजन। देखिए, जिन महिलाओं के बच्चे का गर्भ के अंदर वजन कम होता है तो उनका पेट लेट से दिखाई देता है, और जिन महिलाओं का जो पेट बच्चा अच्छे से विकास हो रहा है, अच्छे से वजन है, तो उनका पेट जल्दी दिखने शुरू हो जाता है। तो अगर आपका पेट भी नहीं दिखाई देता जल्दी से, तो आप देखिए कहीं बच्चे का वजन तो कम नहीं है। अगर अल्ट्रासाउंड में आपको बच्चे का वजन कम दिखाई देता है तो डाइट अपनी अच्छे से लीजिए, डॉक्टर से बात कीजिए, प्रोटीन ज़्यादा लीजिए, जिससे आपके बच्चे का वजन बढ़ सके और आपकी जो प्रेगनेंसी होती है वो हेल्दी रह सके, आपका बेबी हेल्दी रह सके। और अगर आपका पेट ठीक से बढ़ रहा है तो इसका मतलब अच्छी बात है कि आपका जो बच्चा होता है वो अच्छे से विकास कर रहा है। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ ऐसे कारण जिसकी वजह से आपका पेट ज़्यादा दिखाई देता है और जिसकी वजह से आपका पेट कम दिखाई देता है। लेकिन अगर आपका 5वां महीना शुरू हो गया है और आपका जो पेट होता है वो दिखाई नहीं देता, तो फिर आपको डॉक्टर से मिल लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि बच्चे का अच्छे से विकास नहीं हो पा रहा। क्योंकि अगर आपकी हाइट थोड़ी है, छोटी है या लंबी है, तो भी आपका 5वें महीने से पेट दिखना शुरू हो जाना चाहिए। तो अगर आपको नहीं दिखाई देता कि आपका पेट बढ़ रहा, हर महीने नहीं बढ़ रहा, तो फिर आपको तुरंत डॉक्टर से मिल लेना चाहिए, हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम हो। तो आई होप आज की ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही हो, और यूजफुल रहती है तो एक लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और ऐसी यूजफुल वीडियो देखने के लिए। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स।